टू समीक्षाज ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी हूँ मस्त। तो करते हैं दिन की शुरुआत एक अच्छी सुबह के साथ। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपने बालकनी का व्यू, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। सुबह तो और भी ज़्यादा अच्छा हो रहा था, मतलब सुबह बोले तो एकदम सुबह, पर मेरी उठने की हिम्मत नहीं हुई तो मैंने नहीं करा कैप्चर। तो मैं दिखाती हूँ अभी का व्यू। बालकनी और इसके नीचे भाई साहब इतना नीचे है ना, और मैं इतनी ऊपर हूँ यहाँ से इतना सुंदर व्यू आता है, इतना सुंदर व्यू आता है, मन करता है यहीं बैठे रहो। और यहाँ पर बहुत सारे मतलब वुडन कॉटेज है और ट्री हाउस भी है, बट मैंने ये प्रेफर करा तो इसलिए। तो चलते थोड़ा एक्सप्लोर करने कि आज कहाँ जाना है, थोड़ा पूछते हैं सनी जी से, सनी भैया से कि आज कहाँ जाना है। करते तो इसको बंद, कुछ आग तो यहाँ मैंने इसको कर दिया है बंद। तो चलते हैं। अरे मेरा बैग डोंगल। तो अभी चलते हैं उनके कैफ़े में, मतलब इसके सामने ही है। और सीरियसली ट्री हाउस में रह के इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है। ये तो कल इतनी तेज़ की बारिश आई थी, बट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी कुछ नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड है ये, स्ट्रॉन्ग है बोले तो। ये लग क्यों नहीं रहा है। मैं यहाँ हो गई हूँ रेडी जाने के लिए, और मैंने पावर बैंक ले लिया है, चार्जर ले लेती हूँ, और जाना है रायन के कैफ़े में, फिर वहाँ से देखते क्या करना है। तो उतरते हैं यहाँ से और चलते हैं इधर से श्यू उधर को। इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर, इतना मतलब पीसफुल फील हो रहा है। ये देखो कितना सुंदर प्लेस है ये, तंदी तंदी तांडी जो भी है। तो चलते हैं रायन के कैफे में। साहब वो देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो हम पहुंच गए रायन के कैफे में, रायन का कैफे। क्या नाम है इसका? ज़ारा। ही ज़ारा। 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 अभी हम जा रहे हैं वाटरफॉल, और फिर वाटरफॉल के बाद जाएंगे हम कुली कतांदी, जिसको मिनी थाईलैंड भी बोलते हैं, मतलब ब्लॉगर्स लोग। तो चलते हैं, भैया है वहाँ पर। और भाई साहब इतना मज़ा आ रहा है ना टंडी टिंडी नहीं क्या बोलते हैं तांदी तांदी, इतना मज़ा आ रहा है ना तांदी में। चले चलते हैं फिर। चलिए तो चलते हैं, हम हमारा सफ़र होता है स्टार्ट। तो हम पहले वाटरफॉल जाएंगे। यस। यहाँ से कितना दूर है तांदी से? तांदी से वॉक 2-2.5 किलोमीटर। 2-2.5 किलोमीटर गाड़ी से 6-7 किलोमीटर मेन जीबी में ही है। अच्छा मेन जीबी में है। हाँ। ओके तो कम टू जीबी क्या कर रहे हो यार, जीबी आओ हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर रुको ट्री हाउस में, क्योंकि ट्री हाउस में नहीं रुका तो फिर कहाँ रुका। तो चलते और हम आपको दिखाते हैं वादियों के नज़ारे। और ये ऊपर है आई थिंक गाँव तांदी गाँव, और यहाँ उड़ के हैं सेब। ये देखो भाई साहब सेब ही सेब सेब ही सेब। और मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट भी डाली अपनी,
सेबो के साथ समीक्षा नयाल इंस्टाग्राम अकाउंट, चलते हैं। तो इसका नाम है मोगली और यहाँ पर सारे डॉगीज के नाम अटपटे हैं, मोगली, जारा और क्या नाम है, ट्रिपली। आपके डॉगी का नाम गूगल। आ जाओ मोगली, आ जा। तो हम पहुंच गए हैं मिनी थाईलैंड, मतलब सॉरी मिनी थाईलैंड नहीं, कुली कतांदी, क्योंकि मतलब इसका रियल नेम कुली कतांदी है बट ये एक थाईलैंड की तरह लगता है तो इसलिए इसको मिनी थाईलैंड बोल दिया। और यहाँ पर पीछे से पानी की इतनी आवाज़ आ रही है, इतनी आवाज़ आ रही है ना भैया, सुर लगे हुए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कुली कतांदी जो कि है जीभी में, और तो चलते हैं हम आपको दिखाते हैं यहाँ का कुली कतांदी कैसा है, क्योंकि मोस्टली ब्लॉगर ने इसको मिनी थाईलैंड बना दिया क्योंकि ये थाईलैंड जैसा आई थिंक, इसलिए। तो दिखाते हैं आपको कुली कतांदी, और सीरियसली हाँ इतने मतलब पूरा जंगली जंगल है और यहाँ पे इतना मजा आ रहा है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब कैंपिंग तो क्या ही, बट ऐसा एक्सप्लोर करने में जो मजा आता है ना वो आ रहा है, और थोड़ा मतलब एडवेंचर वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि यहाँ पर पूरा जंगली जंगल है, जंगली जंगल, और यहाँ से बह रही है एक रिवर जिसका नाम है पुष्प भद्रा। मेरी वॉइस क्या पता कम आ रही हो क्योंकि मेरा माइक का कनेक्टर नहीं मिल रहा। हमें इसके अंदर से जाना है, बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। छिप छिपाए ऐसी जीत हम न पाए, ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम न आए 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 हम न आए, ऐसी जीत छिप छिपाए ऐसी जीत हम न पाए। ऐसी जीत ना छुप छुपाए, ना छुप छुपाए, ना छुप छुपाए, ऐसी जीत ना छुप छुपाए, ना छुप छुपाए, ना छुप छुपाए, ना छुप छुपाए। तो अब हम आ गए हैं कुली कतांदी और भैया बोल रहे हैं मेरे को मत लेना। तो ऐसा कैसे हो सकता है भैया को ना ले। तो हम आ गए मिनी थाईलैंड से वापस,
फिर देखो बोले मेरी थाईलैंड का नाम लेना है, बोलना है कुली कतांदी। भैया बोलते कि सिड्डू खाते हैं, हिमाचल की फेमस डिश सिड्डू। तो ये है वो शॉप जो रोड की साइड में है, और मुझे मतलब जो रोड की साइड में जो शॉप होती है ना उसमें खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, जैसे मोमोज वोमोज और चीज़। तो देखते हैं यहाँ पर सिड्डू है कि नहीं है। सिड्डू है क्या यहाँ पर? तो आज ट्राई करते हैं सिड्डू, हिमाचल का फेमस। प्रणाम। प्रणाम। आपकी शॉप है? तो ये इनकी शॉप है। और दादी जी कैसे हो आप? तो ये है सिड्डू। ये सिड्डू कैसे बनता है ये बताएंगे, कैसे बनता है सिड्डू? जी ये आटे का बनता है हमारा। आटे का? आटे और जाएगा इसमें मैदा नहीं लगता है। अच्छा, तो मैदा नहीं होता और आटा होता है, और क्या क्या होता है इसमें? स्टफिंग जाती है अंदर इसमें ना, जैसे स्टफ करके जैसे आलू आएगा। हाँ। अच्छा, मतलब अगर वेजी बनाने तो आलू प्याज का स्टफिंग, मूंगफली हो, मूंगफली मूंगफली। अच्छा, तो ऐसे बनाते सिड्डू। और सिड्डू यहाँ सिड्डू आओ भैया, मैं थोड़े खा पाऊंगी इतना। तो यहाँ गए सिड्डू हरी चटनी एंड रेड चटनी के साथ। तो लेट्स ट्राई करते हैं, आओ आओ। हिमाचल की फेमस डिश है। और अभी हम जा रहे हैं बंजार मार्केट, क्योंकि मतलब भैया का टायर पंचर हो गया था गाड़ी का, तो वो ठीक करा, मतलब कुछ उनको ठीक कराना है, तो इसलिए हम जा रहे हैं बंजार मार्केट। चलते हैं। तो ये है बंजार मार्केट, जीबी की मार्केट, बंजार मार्केट, और यहाँ का तहसील भी बंजारी है ना। साइकिल आगे डाल दो। हेलो रायन। तो ये है सनी भैया का लड़का। कौन सी क्लास में हो आप? फोर्थ क्लास में हो? जारा। और ये किसका कैफे है? मेरा। आपका कैफे है? रायन का कैफे। तो फाइनली हम पहुंच गए रायन के कैफे में और वापस घर, मतलब होटल में, ट्री हाउस में। तो हम आ गए हैं कुली कतांदी से वापस, बोले तो मेरी थाईलैंड से वापस। और भाई साहब आज मेरे साथ ऐसा सीन हुआ, मैं गिरते गिरते बच गई, मतलब मैं गिर गई थी पर मैं बच गई। और वहाँ पर इतना ज़्यादा फ्लो था पानी का, मतलब वीडियो में आपको दिख ही रहा होगा, और मेरे पैर में भी लग गई। मैं दिखाती हूँ आपको मेरे पैर में कहाँ लगी है, और इतनी गंदी तरीके से लगी ना, मैं तो गई, मैंने तो सोचा मैं गई आज, दिखाती हुई। तो मैं कुछ ऐसे गिरी कि मेरे घुटने में लग गई, और यहाँ पर पूरा नीला पड़ गया है, मतलब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, मतलब नीला नीला हो गया है और घुटने में भी लग गई। तो ये है उसकी थोड़ी सी क्लिप। होता है ना कि मतलब ऐसी जगह पे रोना भी नहीं चाहिए, तो मुझे ऐसा हो गया था मैं रोऊं जो हंसू जो, एक तो लगी थी ऊपर से हंसना भी आ रहा था रोना भी आ रहा था। तो हमारे वहाँ पर तो ऐसे बोलते हैं कि मतलब ऐसी जगह पर हंसते मतलब रोते नहीं है ना, चिल्लाते हैं, जहाँ पर मतलब नदी का बहाव होता है, जहाँ पर मतलब नदी का बहाव होता है। तो मतलब मैं रोई नहीं, और पर भाई जो मेरे पैर में अभी भी दर्द हो रहा है, और मुझे ऐसा लगा मेरा घुटना खिसक गया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एंड हाँ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और हम मतलब वाटरफॉल नहीं गए, और आज मैंने हिमाचल का फेमस फूड भी खाया, जिसको सिड्डू बोलते हैं, और लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी था। इडली चावल और सब मिलकर बनता है, और ये आटे का था, और इसकी स्टफिंग मतलब मूंगफली आलू प्याज टमाटर मतलब वेजीज की होती है। और मतलब ऐसे नॉर्मली से घी के साथ खाते हैं, पर मैंने मतलब हरी चटनी के साथ खाया था, और लिटरली बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। तो इसी के साथ कर देते हैं व्लॉग एंड। आई होप आप सभी को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं यहाँ पर एक ही जैकेट लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने जब भैया से पूछा था तो उन्होंने बोला था कि इतनी ठंड नहीं हो रही। अब उनके अकॉर्डिंग ठंड नहीं हो रही, बट मेरे अकॉर्डिंग ठंड हो रही यहाँ पर, क्योंकि मैं तो ट्री हाउस में रह रही हूँ।
तो मैं एक ही जैकेट लाई थी और मैं फ्लिप फ्लॉप भी नहीं लेके आई थी, मतलब मैंने रखा था निकाल के सब चीज पर मैं लाना भूल गई जल्दीबाजी में। तो मैंने यहीं से फ्लिप फ्लॉप ली और यहाँ पर मतलब पास में मार्केट नहीं है, दूर है थोड़ा, और उसमें भी मतलब इतनी बड़ी मार्केट नहीं पर है। तो मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में, देखते हैं कल कहाँ जाते। और मुझे इतना मजा आ रहा है ना सोलो ट्रैवल में बहुत।